नमस्कार दोस्तों, हमारी किडनी केयर सीरीज जिसमें हम 9 वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं, उसमें हम आज तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब वो टॉपिक है उन डॉक्टर्स के बारे में जो आपकी रोग की जानकारी के बगैर, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लिए बगैर, कोई एक रेडीमेड, कोई एक प्रॉपर फॉर्मूलेशन से आपकी इलाज करने की बात या दावा करते हैं। दोस्तों, 9 एपिसोड की सीरीज में हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि अगर आप आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते हैं तो सावधान रहें, ध्यान दें कि कौन सा इलाज आपके लिए बेटर है। और अगर कोई डॉक्टर, कोई कंपनी, कोई संस्थान आपसे ऐसा दावा करे कि पर्टिकुलर हमारी मेडिसिन है जो हर रोग का इलाज करती है, ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे पास आए जिन्होंने टीवी एड देख के कोई तथाकथित एक चमत्कारी दवा मंगाया, कोई दिव्य मेडिसिन मंगाई जिसका दावा है कि वो किडनी फेलियर भी ठीक कर देगा, वो हार्ट प्रॉब्लम, गठिया सब रोगों का इलाज कर देगा। तो ये वैज्ञानिक रूप से पॉसिबल नहीं है। हर रोग का कारण अलग होता है, उसके कारण होने वाले दिक्कतें अलग होती हैं और उसका निदान भी अलग होता है। इलाज हम आयुर्वेद छोड़िए, एलोपैथ या होम्योपैथी भी कराते हैं तो भी आपकी सिम्टम्स के बेस पर डॉक्टर ये सोच करते हैं, ये कल्पना करते हैं कि कौन सी औषधि, कौन सी मेडिसिन, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेटर काम करेगा। तो अगर कोई डॉक्टर आपसे बोले या कोई ऐसी कंपनी आपसे बोले, कोई ऑनलाइन डॉक्टर आपसे बोले कि हम आपके लिए एक पर्टिकुलर दवा दे रहे हैं, मान लीजिए आप एक किडनी पेशेंट हैं लेकिन आपकी किडनी की डैमेज, आपका प्रॉब्लम का स्टेज, आपके साथ होने वाले सिम्टम्स अलग अलग हैं। किसी को किडनी की दिक्कत है लेकिन साथ में उसको डायबिटीज़ भी है, किसी को किडनी के साथ डायबिटीज़ तो नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर की समस्या भी है, किसी को दोनों समस्याएं नहीं है लेकिन थोड़ा एसाइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को ऐसी समस्या नहीं है लेकिन किडनी के साथ थोड़ा हेडक की प्रॉब्लम भी है या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, कोई एक ऐसी दवा है जो सब लोगों को ठीक कर सकती है? जी नहीं। अगर हमें आपको प्रॉपर ट्रीट करना है तो किडनी रिजनरेशन मेडिसिन तो देनी ही देनी होंगी, साथ के साथ आपकी जो अन्य समस्याएं या हेल्थ चैलेंजेस हैं उसको भी सॉर्ट आउट करना होगा, जिसके लिए उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेडिसिन को हमें साथ में लगाना होगा। तो अगर कोई डॉक्टर आपसे बोले कि हमारी पर्टिकुलर मेडिसिन, हमारा पर्टिकुलर पैकेज या पर्टिकुलर किट है जिसको लेके आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा या आपको किसी भी तरह का, किसी स्टेज का किडनी फेलियर है, आपको रिलीफ मिल जाएगा, आप ध्यान रखें ये सिर्फ धोखेबाजी है। और आजकल ऐसे धोखेबाजों की एक बाढ़ सी आई हुई है। हमारे पास आने वाले हजारों पेशेंट्स में अधिकांश पेशेंट ऐसे होते हैं जो इस तरह के धोखेबाजी के शिकार हो चुके हैं, अपना पैसा, समय और शरीर खराब कर चुके हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लाभ तो मिलना दूर की बात है, स्थिति और ज़्यादा विकट और ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़, जब किसी डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाएं, तो आप देखें कि वो आपके प्रॉब्लम को, आपकी दिक्कत को प्रॉपरली स्टडी कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपकी नीड, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर रहा है, न कि कोई रेडीमेड पैकेज, कोई रेडीमेड ट्रीटमेंट या कोई रेडीमेड सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा करना एथेंटिक नहीं है, गलत है और ऐसा इलाज लेना आपके लिए खतरनाक है। तो किडनी ही डिजीज ही नहीं, किसी भी तरह की समस्या से अगर पीड़ित हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसी डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी प्रॉपर तरीके से इलाज कर रहा हो, रेडीमेड दवाइयां न दे रहा हो। खास तौर पर ये ऑनलाइन बिकने वाले, टीवी एड पे बिकने वाले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स से आप सावधान रहें, क्योंकि ये कोई एथेंटिक न प्रोडक्ट्स हैं न डॉक्टर्स हैं। इनका काम सिर्फ आयुर्वेद का नाम भुनाना है, टीवी पे किसी एक्टर को खड़ा करके और उनके थ्रू अपना माल बेचना है। आपके स्वास्थ्य से इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कहीं ना कहीं आप आयुर्वेद के प्रति नेगेटिव होंगे, नकारात्मक धारणा बनाएंगे जो आयुर्वेद के लिए घातक है। और इसीलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे उत्पादों से, ऐसे डॉक्टर से आप सावधान रहें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।